कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करने के ऐलान के बाद संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज है संजय निरुपम, और उन्होंने साफ कह दिया कि वो पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी पार्टी को गुड बाय नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह की हरकत अगर पार्टी में जारी रही तो वो जल्द पार्टी को भी छोड़ देंगे। तो आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बैठे लोगों को समझ की कमी है, तो पार्टी ने योग्य लोगों के साथ न्याय नहीं किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। संजय निरुपम टिकट बंटवारे से नाराज है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ जुड़े लोग जो हैं वो साजिश रच रहे हैं। तो कई लोगों को उनकी तरफ से निशाना बनाया गया, हालांकि उन्होंने नाम साफ नहीं किए, लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया है कि अभी वो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी में इसी तरह की गतिविधियां, इसी तरह के हरकतें जो है वो चलती रही तो वो जल्द ही पार्टी से विदा भी ले लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी पार्टी को जरूरत है और चुनाव है, और विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात संजय निरुपम की तरफ से की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। संजय निरुपम ने चुनाव प्रचार नहीं करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो पूरा मॉडल है वो ही दोषपूर्ण है। तो विधानसभा चुनाव से पहले बागी हुए कांग्रेस संजय निरुपम। तो बता, संजय निरुपम ने कांग्रेस छोड़ने की धमकी दी है दिल्ली के लोगों को। दिल्ली के लोगों में जो है समझ की कमी है, तो कांग्रेस आला कमान के पास कुछ लोग ऐसे हैं जो साजिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने मुसलमानों को दरकिनार किया है। तो संजय निरुपम ने ये कई गंभीर आरोप कांग्रेस और कांग्रेस आला कमान पर लगाए हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं उनके जो तेवर हैं वो तल्ख तेवर जो नजर आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने हालांकि ये जरूर कहा कि अभी वो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से उनके साथ बर्ताव पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और जिस तरह की हरकतें पार्टी के अंदर चल रही हैं, अगर ये यूं ही जारी रही तो वो जल्द कांग्रेस को गुड बाय भी कर देंगे। तो कांग्रेस ने मुसलमानों को इग्नोर किया है, उनको दरकिनार किया है, तो कांग्रेस पार्टी का जो पूरा मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है। और इसे बेअर्च आपको सुनवाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय निरुपम की तरफ से क्या कुछ कहा गया। अगर यूं ही चलता रहा तो फिर वो लंबा समय नहीं है जब हमको पार्टी छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। आज सिर्फ इतना फैसला, सिर्फ इतना अनाउंसमेंट जो कल मैंने ट्विटर के माध्यम से किया था, आपके माध्यम से कर रहा हूं कि मैं चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लूंगा और पार्टी नेतृत्व को कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा, बदले हुए माहौल को समझना पड़ेगा, और बदले हुए माहौल के हिसाब से जो काम करने वाले लोग हैं, जो चापलूस पसंद नहीं है, जो चापलूसी नहीं करते हैं, जो बंद कमरे में राजनीति नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को महत्व देना पड़ेगा, वरना कांग्रेस पार्टी के दिन और खराब होंगे, कांग्रेस पार्टी की और भी स्थिति खराब हो सकती है, ऐसी मेरी आशंका है।